बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर। टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर 5। अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग आज आपका डे है 19 और हैशटैग है 19। इसके हिसाब से क्लास वर्क आपका जा रहा है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 एंड 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 एंड 10। और आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कम्प्लीट करना है। सबसे पहले समझते हैं चैप्टर 5 है क्या। चैप्टर 5 आपके पास है पॉलीनोमियल्स। इजी लैंग्वेज में हम कहें तो पॉलीनोमियल्स वो टर्म्स होती हैं, वो वैल्यूज़ होते हैं जिसके अंदर वेरिएबल इस्तेमाल किए जा रहे हों। लेकिन याद रखिएगा, वो वेरिएबल अगर हमारे पास जो है फ्रैक्शन में सवाल हो तो वो वेरिएबल हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अगर वो वेरिएबल डिनोमिनेटर में आएगा तो उसको हम पॉलीनोमियल्स नहीं कहेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो वैल्यूज जिसके अंदर वेरिएबल इस्तेमाल किए जा रहे होंगे उसको हम सिंपल पॉलीनोमियल्स कहते हैं। अब यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई है पेज 85 के ऊपर, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल और लिटरल। मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि चीज़ें हैं क्या। स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टेंट से। आ क्वांटिटी हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल नंबर इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इन एक्सप्रेशन 2x 3x + 9y - 1 एंड 4 5x² - 4xy² + 8। हियर इज 2, 3, 9, -4 and 8 जो है वो कांस्टेंट है। मतलब ये हुआ कि एक्सप्रेशन के अंदर, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, किसी भी टर्म के अंदर जो है वो नंबर्स जो कि डिजिट्स के अंदर यानी सिंपली नंबर के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हों उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, ए से लेकर जेड तक जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। देन इसके बाद लिटरल पे आते हैं। लिटरल का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हमारे पास कॉन्स्टेंट के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जो भी चीज़ हमारे पास कॉन्स्टेंट के लिए इस्तेमाल की जा रही है वो लिटरल कहलाता है। इसके बाद हमारे पास है कोफिशेंट। कोफिशेंट का सिंपल मतलब यह है कि जो भी चीज़ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी उनको हम कोफिशेंट कहते हैं। ये चीज़ें आपको मज़ीद समझ में उस वक्त आएगी जब हम उसको जो है सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है, सेपरेट कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स एंड लिटरल्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी नीचे जितने भी सवाल दिए गए हैं इनमें से जो वेरिएबल्स हैं, जो कॉन्स्टेंट हैं और जो लिटरल हैं उनको अलग अलग करके करना है। अब ये करना किस तरह से कॉपी के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन है फर्स्ट 3x + 1। इसमें हमारे पास कांस्टेंट क्या क्या है, एक तो 3 है और एक तो 1 है हमारे पास, ठीक है। 3, 1 यहाँ पर आ गया। वेरिएबल क्या इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर एक्स इस्तेमाल हो रहा है। और लिटरल भी क्या इस्तेमाल, मैंने क्या कहा आपसे कि लिटरल वो है जो कांस्टेंट के साथ हमारे पास जो है वो एज अ कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर एक्स जो है एज अ कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है तो लिटरल भी हमारे पास एक्स हो जाएगा। देन इसके बाद जो है वो मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि आपकी प्लानिंग के अंदर मौजूद था। प्लानिंग के अंदर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। पार्ट 3 भी मैं करवाता हूँ। पार्ट 3 के अंदर आपके पास है 2a² + 1/3b - 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2, 1/3 और -3 तो कॉन्स्टेंट में आया, साथ में हमारे पास a और b भी जो है वो कॉन्स्टेंट के अंदर आएगा। आप कहेंगे ये तो हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, लेकिन अगर ये वेरिएबल होता, अगर ये वेरिएबल होता तो यहाँ पर ये और ये सारी चीज़ें जो हमारे पास वेरिएबल के अंदर सेम आती। चूँकि हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, पावर भी अलग अलग इस्तेमाल हो रही है, तो ये हमारे पास कहलाएगा कॉन्स्टेंट। इस वजह से हमने इसको इसमें लिखा। अब यहाँ पर वेरिएबल कुछ भी नहीं इस्तेमाल हो रहा। और अगर लिटरल के अंदर आते हैं तो लिटरल के अंदर हमारे पास जो है वो ए और बी लिटरल के अंदर आएगा। वजह यह है कि ए और बी एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। एज अ वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे थे तो यहाँ पर लिखते, यहाँ पर लिखते, लेकिन ये एज अ ए और बी यहाँ पर एज अ कॉन्स्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, इस वजह से ये लिटरल के अंदर आएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि लिटरल वो है जो कि एज अ कॉन्स्टेंट वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। आइडेंटिफाई पॉलीनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, जो है वो नीचे हमारे पास जितने भी चीज़ें दी गई है उसमें बताइए करना है कि ये पॉलीनोमियल है नॉन पॉलीनोमियल है। फर्स्ट हमारे पास है पॉलीनोमियल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल अगर हमें नज़र नहीं भी आ रहा है, मैंने कहा पॉलीनोमियल वो होते हैं जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, अगर वेरिएबल नज़र नहीं भी आ रहा है तो हमारे पास ये, चूँकि वेरिएबल की पावर हो सकती है 0 हो यहाँ पर,
ज़ीरो पावर के साथ जो वेरिएबल जो है वो हज़फ़ हो जाता है। इस वजह से ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। सेकंड वाले के अंदर हमारे पास 3/y लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमेटर के अंदर जो है वो वेरिएबल आ रहा है, इस वजह से पॉलिनोमियल कहलाएगा। थर्ड वाले के अंदर भी देखें आप, डिनोमेटर के अंदर पॉलिनोमियल आ रहा है, डिनोमेटर के अंदर जो है वेरिएबल आ रहा है, इस वजह से पॉलिनोमियल कहलाएगा। फोर्थ आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई जो है डिनोमेटर के अंदर है। इस तरह से आप लोग जो सारे कर सकते हैं, मैंने वैसे सारे लिख भी लिए, अगर आप लोग को आसानी के लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल, सेकंड पार्ट लिखेंगे इट इज़ अ नॉन पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इंडिकेट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें नीचे जितनी भी सवाल जितनी भी एक्सप्रेशन दी गई हैं उनके अंदर हमें जो है वो डिग्रीज मालूम करनी है, फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स यानी पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, तब जाके हम उसकी डिग्री मालूम करेंगे। अब फर्स्ट वाले के अंदर आपके पास है 5³, इसके अंदर तो पॉलिनोमियल है ही नहीं क्योंकि वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है एक्स, इसके ऊपर पावर क्या दी हुई है 1। सबसे पहले तो हम डिग्री मालूम कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशंस दी गई होंगी उसमें जो सबसे बड़ी टर्म होगी, अब सबसे बड़ी टर्म कैसे होती है, जैसे मैंने यहाँ पे फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसमें बड़ी टर्म कौन सी होगी, बड़ी टर्म वो होगी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर्स मौजूद होंगी, या सबसे बड़ी पावर्स मौजूद होंगी या सबसे ज़्यादा पावर्स मौजूद होंगी। अब देखें इसमें पहली टर्म कौन सी हमारे पास, ये हमारे पास जो है इसकी सबसे बड़ी टर्म है क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा पावर्स दी हुई हैं, बनस्बत इसके इसमें एक ही पावर दी हुई, इसमें दो पावर दी हुई है, और वो भी जो है वो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो इससे बड़ी हो जाएगी, तो ये बड़ी टर्म होगी। अब मैं कहूँ इसकी डिग्री क्या है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की पावर्स को प्लस कर देंगे, 2 में 2 प्लस कर दिया 4, तो आप लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 4। इस तरह से अब यहाँ पर सबकी आप लोग डिग्रीज जो है प्लस कर, जैसे ये 5वां है आपके पास, इसकी पावर जो है सबसे ज़्यादा है, तो ये 3 में 2 प्लस कर दिया 5 में 2 प्लस कर दिया 7, इसकी जो है डिग्री कहलाएगी। अब यहाँ पर आते हैं 7 के ऊपर, तो ये हमारे पास 3 टर्म दी हुई हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पावर जो है इसके पास मौजूद है 4, इसके पास मौजूद है, इसके पास 1 मौजूद है, डिग्री हो जाएगी 5। सेकेंड यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्स की पावर 5 दी हुई है, एक्स की पावर 6 दी हुई है, यहाँ पर 2 और 3 दी हुई है, और यहाँ पर 1 और 4 दी हुई है। अगर दोनों को प्लस करते हैं हमारे पास क्या आता है 5 आता है, तो उसकी डिग्री कहलाएगी 5। इस तरह से सारे सवाल आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल मौजूद नहीं है उसकी डिग्री जो है 0 कहलाएगी। अच्छा, इसके साथ आप लोग का जो है आज का ये क्लास वर्क कम्प्लीट हुआ, आप लोग का जो पूरा होमवर्क है वो कम्प्लीट करके मुझे जल्द अज जल्द जो है सबमिट करवाएंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1, 2, 3 आपने कम्प्लीट करके मुझे जो है सबमिट करवाना है, और गर्ल्स जो है वो अपनी सब्जेक्ट टीचर जो भी होंगी उनको जो है सबमिट करवाएंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।